हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, लेकिन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंदर आज हम लोगों ने देखा था ओपन प्राइस इसकी थी 48.50, जबकि लास्ट क्लोजिंग प्राइस 49.75 था। उसके बाद देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग होती है और 46.00 का लो बना डालता है। 7.5% तक की गिरावट, 7.5% से थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हुई हमें। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में आज हमें क्यों देखने को मिली, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, वो कारण मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया है इसने अभी तक 2:04 हो रहा है दोस्तों, 7.78.4 मिलियन यानी 7,84,69,179, जहाँ पर डिलीवरी स्टेटस है 37%। VSE के ऊपर देखें तो 88,98,704 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां 44.30 की डिलीवरी परसेंट है। 29,221.82 करोड़ रुपये इस कंपनी की मार्केट कैप है। और लोअर साइड पे देखें तो इसका 52-week लो 26.75 का है और हाई है 69.30 का। दोस्तों, आप लोगों को आगे गिरावट का कारण बताऊं उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। अपडेट दोस्तों वाकई में आपको चौंका सकती है, ये आप लोग ताज्जुब होगा देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक को बाई करने के लिए कॉल दी जा रही है ICICI डायरेक्ट के द्वारा और टारगेट बताया जा रहा है 60 रुपीज़ का। जी हाँ, इस गिरावट में अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, थोड़ी बहुत भी आपके रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं 60 रुपीज़ के टारगेट को पाने के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ द मर्जर ऑफ IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड इन 2018। दोस्तों, रिटेल फंडेड एसेट जो है इस बैंक की 64% बनाती है टोटल इसके ग्रॉस फंडेड एसेट्स का, राइट। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसके पास 2021 में 703 ATMs बढ़ करके हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। IDFC फर्स्ट बैंक को बाई कॉल दिया जा रहा है फॉर टारगेट ऑफ 60 रुपीज़। पहले ICICI डायरेक्ट के द्वारा टारगेट दिया जा रहा था 65 रुपीज़ का, लेकिन अब ये टारगेट 60 रुपीज़ का कर दिया है और ये आज की ही अपडेट है, August 5th, राइट। ओके, चलिए अब गिरावट का कारण जानते हैं। गिरावट का कारण क्या है दोस्तों? गिरावट का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको जैसा कि पता है वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी मैसिव गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सिंपल सा ये है कि सरकार जब तक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मदद नहीं करेगी, कहीं ना कहीं से मैसिव रिलीफ पैकेज नहीं देगी, तब तक वोडा आइडिया के अंदर डाउनफॉल कंटिन्यू रहने वाला है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक का 2.02% इसके टोटल लोन बुक का कैपिटल लगा हुआ है। तो अगर वोडा आइडिया के अंदर गिरावट मैसिवली होगी तो एक खतरा बना हुआ है कोलैप्स करने का। उस कोलैप्स के खतरे का असर हमें IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी टोटल लोन बुक का 2.02% लगभग अमाउंट परसेंट उसमें फंसा हुआ है वोडाफोन आइडिया में, तो उसके कोलैप्स करने से नुकसान इधर भी तो हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया डूबेगा तो डुबा के मारेगा लोगों को, ऐसा है वो, राइट। और नहीं डूबेगा तो अच्छी बात है, तो डूबेगा तो सरकार को भी डुबाएगा और नहीं डूबेगा तो सरकार भी फ़ायदे में रहेगी, हम सब भी फ़ायदे में रहेंगे, सभी के सभी फ़ायदे में रहेंगे। तो सरकार की होशियारी, सरकार के पास अगर अकल है तो मुझे लगता है कि अकलमंदी से सरकार काम करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर की छोटी सी अपडेट थी और आई होप आपको पूरा कारण समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर मैसिव गिरावट के पीछे क्या कारण हो सकता है, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।